एंड फ्रेंजी तो सर ये देख लें आप यहाँ क्या हो रहा है, और लेट मी टेल यू दिस इज दी ओनली फिल्म ऑफिशियली मैं कह सकता हूँ या अनऑफिशियली जिसका ट्रेलर आने से पहले हजारों ट्रेलर्स हैं और करोड़ों में व्यूज गए हुए हैं। All right, we're good to go. Chalo, cool, cool. We'll take the questions now. We'll do the solos later. Wo samne aur aap sab. I mean, it's weird to you know look at you and be saying this because I've said this to you one on one on set in a much more real atmosphere. But I'm going to say it again and mean it as much. It's been a dream come true to work with Imtiaz sir. I think that he is such a warm person, such a gentle person, such a nurturing person, and he's such a clear director. He knows exactly what he wants, and he knows, I mean, hopefully, in my case at least, exactly how to get you there. You know, you'll be doing scenes and you'll be feeling exactly what you should be feeling right before the scene. You know, and I have always, you know, watched all his work, and I still, you know, the reason I'm stammering a little bit and saying, you know, again and again, is because I can't believe that I've had the opportunity to work with him. It's been so special. It's been so wonderful. I know that they've, no, really, sir, I don't know what to say. I still remember the day that I met you in Delhi. And I was like, you know, I'm feeling really bad and like messed up because of the scene that we were shooting the previous day. And you said, that's exactly how you should be feeling. I was a little confused. I was like, that's like borderline sadistic. Why would he say that to me? And then I realized that maybe that is it, you know. He makes you feel what you should feel and that feeling stays. कार्तिक भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी मतलब फ्रॉम अ पंचनामा बॉय टू सोनू देन चिंटू त्यागी एंड नाउ लव आजकल सो व्हाट डू यू वांट से अबाउट द होल जर्नी यू हैव नाउ अ डायरेक्टर लाइक इम्तियाज़ सो व्हाट डू यू वांट से अबाउट इट जी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा रहा है जब से हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी फर्स्ट मीटिंग जब हम मिले थे जब पहली बार मुझे एक्चुअली कॉल आया था एंड सर ने बोला था कि हेलो इज दिस कार्तिक दिस इज इम्तियाज़ अली एंड तो मैं मुझे याद है मैं एक्चुअली उस टाइम लुक्का छुपी की शूट कर रहा था तब मुझे कॉल आया था और मैंने अपने आप को वैनिटी में बंद कर लिया था और मैंने बोला था कि मैं वॉशरूम चला गया हूँ और जितनी देर तक ये कॉल चलता रहेगा उतना वॉशरूम में बैठा हूँ तो मैंने बहाना किया था सेट में ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और हमने करीब 45 मिनट शायद से उस फोन कॉल में फर्स्ट फोन कॉल में बात की थी ये खबर मेरे पास नहीं थी ये खबर नहीं आई थी क्योंकि वो ऐसा अपसेट स्टमक बट दिस वॉज हैपनिंग देन एंड So I think मतलब it's been a wonderful journey मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है जब सर ने मेरे को एक्चुअली हम लोग जब बात भी किए थे तो हमने किसी और चीज़ के लिए बात की थी इवेंचुअली लव आजकल हैपेंड एंड इट्स लाइक अ ड्रीम मैं मतलब सपना जी रहा हूँ वैसा मुझे लग रहा है जब भी मेट रॉकस्टार मतलब हम देखते देखते दोस्तों में या कॉलेज में जाते हुए सब सबकी फेवरेट मूवीज में से कुछ रही हैं एंड जब पोस्टर भी जब मैंने पहली बार अपना ये देखा हम दोनों इस पोस्टर में थे एंड अ फिल्म बाय इम्तियाज़ अली एंड यू नो तो वो मैंने सर को मैसेज भी किया था बोला भी था मैं 3 घंटे तक 2 घंटे तक मैं बस देख रहा था और फोन को देख रहा था ये अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आई डोंट नो मतलब मैं बहुत खुश हूँ It's a complete circle, and sir ने जिस तरीके से मुझे वीर और रघु के character में देखा and जितना इन्होंने हम सबको while directing, I think he's completely changed me as an actor maybe जैसा मेरा thought process है काफ़ी चीज़ें change हुई इनसे बात करके इनसे समझ के and इनका तरीका भी एकदम इतना आसान सा होता है कि हम बस बात करते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरफ लेते जा रहे हैं हमें
तो वो एक प्रोसेस में हमेशा से मजा आया. एंड मैं भी स्टैमर कर रहा हूँ सारा. आपने भी स्पीच दे दी हमारी. हाँ, मैंने भी स्पीच दी, लेकिन बहुत इतनी अच्छी नहीं थी. हेलो, आई एम ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी उस टाइम से. तो फिर तभी मैं फिर शर्माने लगा था हर बार से. हाँ जी, अरे लेकिन मैं क्या जवाब दूँ, आप बताइए क्या जवाब दूँ. जब भी आप मुझसे ऐसे सवाल पूछते या इनसे ऐसे सवाल पूछते तो जवाब क्या दें. इन्होंने तो सीधे बोल दिया था. मैं वहां पे अटक गया था कि मैं हाँ बोलूं या तू हाँ कर या ना कर. तू है मेरी सारा. आई डोंट नो सर, आई एम सो सॉरी, कहाँ पे टॉपिक जा रहा है. हेलो सर, इम्तियाज सर, सारा जी, हेलो जी जी. इनकी पिछली ट्रेलर लॉन्च पे भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था. ये क्या है कार्तिक, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज दिस लव आजकल? सारा, यू नो इट ऑल, कम ऑन, डोंट कम ऑन. शी नोज इट, शी इज अ गुड एक्टर. थैंक्स, दैट्स द फर्स्ट टाइम ही सेड दैट टू मी.